भाई सभी भाई, तो आप सभी का स्वागत है भाई मेरे ब्लॉग में। तो भाई आज अपने ब्लॉग की शुरुआत होती है मंदिर प्रांगण से। तो भाई ये हमारा मंदिर और ये हमारे दो बंदे रिसर्च कर रहे हैं मंदिर में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और भाई देखो काफ़ी जगह है हमारे मंदिर में, आजकल चौमास चल रहा था, हरियाली तो छागी। तो ये रहे और इधर टंकी वंकी लगी हुई है, ये हमारा मंदिर का गेट है। और यहाँ पे हम आपको पता है यहाँ पे बहुत वीडियो शूट कर रखी है हमने, जो भी कॉमेडी हम बनाते हैं शॉर्ट वीडियो, काफ़ी लॉन्ग वीडियो काफ़ी शूट कर रही है, शॉर्ट वीडियो काफ़ी शूट कर रखी है। तो भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत मंदिर से करते हैं। तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार भाई। देखो तो भाई अभी आ चुके हैं हम दूसरे मंदिर पर, जो कि यहाँ पर आज पाठ पूजन चल रहा है, दो चार पंच पटेल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाई अपन आ चुके हैं मंदिर में और मंदिर में पाठ पूजा। और तो भाई अभी हम चल दिए स्टेशन की तरफ और अभी हम जा रहे हैं, कोई एक पर्सन है उसके पास काम को लेके, वो भाई करेगा या नहीं करेगा। अगर वो हाँ कर देता है तो तड़के अपना प्रोग्राम सेट है और आपको प्रोग्राम दिखा दिया जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो हम चारों भाई है, पांच भाई है वैसे हम टीम में, अभी चार हैं, दो इस गाड़ी पर, दो हम इस गाड़ी पर और अपना प्रोग्राम। हाँ तो भाई हम चल दिए प्रोग्राम करने। हाँ। और कल आपको अच्छा सा प्रोग्राम दिखाएंगे को मिलेगा, आप बने रहे लास्ट ब्लॉग तक। देखो जितना होगा उतना अच्छा प्रोग्राम करने की सोचेंगे, क्योंकि हम पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तो हमारी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, अगली बार बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम दिखाएंगे भाई, एक नंबर वाला। आप लाइक कमेंट शेयर करो, फुल सपोर्ट करो, क्योंकि भाई आपको हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखा रहे थे। 11 के दिन हमने प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम दिखाया आपको, और अब जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। तो भाई सपोर्ट करो, सपोर्ट करो भाई, प्रोग्राम ऐसे गाँव के लिए और देवी देवताओं के लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे कहो, हम फुल सहयोग करेंगे भाई। जय बाबा की। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। अभी हम आ चुके हैं मंदिर में और अपने प्रोग्राम की कर रहे हैं तैयारी। यहाँ पे भाई घास वास बहुत ज्यादा हो रहा है मंदिर में, तो इसकी कटिंग वटिंग करने की सोच रहे हैं। बोला शेर महेश भाई ये भगवान क्या जुलूम है। तो भाई अभी मंदिर की साफ सफाई करने का विचार है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा घास आ चुकी है, कल ऐसा नहीं दिखेगा। और भाई इसमें प्रोग्राम रखा गया हमारे द्वारा, तो भाई बहुत देखिए हरा भरा हो रहा है, लेकिन यार क्या करें, इसमें तो करनी पड़ेगी साफ़ सफाई। तो भाई साफ़ सफाई करते हैं पहले इसकी और फिर देखते हैं क्या करना है। और ये अपना मंदिर, यहाँ करेंगे कल प्रोग्राम मस्त वाला। ये देखिए दोस्तों, स्कूल टाइम में पकड़ लिया, स्कूल से बाहर है और इन देखते हैं कौन सी क्लास में पढ़े तू, हैं कौन सी में पढ़े। ये उनको लिखा जा रहा है हमारे द्वारा और उसकी पर्ची बनाई जा रही है अच्छे से। और ये मैं ही दांत भर रहा है, ये जो राहु जानता है वो दम मंडली की हमारे कर रही हो। ए करोड़ यार मान जा, 24 घंटा मजाक नहीं इक्का एकदम क्रिया। तो भाई अभी हम पर्ची लिख रहे हैं, सामान लेके आएगा इधर और शाम के टाइम को लेके आ जाएगा वो, ठीक है ना। कल जिम में आई है तो अभी हम पर्ची लिखी जा रही है यहाँ पे हमारे द्वारा और भाई इसकी साफ सफाई करेंगे, देखते हैं। लावना और ये जा रहा हमारे एक गाड़ी पे सिलेंडर और तीन गाड़ी जा रही है और सामान लेने जा रहे हैं भाई मलाना डूंगर। हम पहुँच चुके हैं गैस सिलेंडर की एजेंसी पे और अभी गैस वैस भरवाते हैं, एक टंकी लेके आए हम तीनों चार भाई। और अभी पूछ रहे हैं क्या है प्रोग्राम, क्या नहीं है गैस वाले से। चुके हैं दुकान पे सामान लेने, जो कि हमारे भंडारे का सामान लेने आए हम भाई, अभी भाई प्रेम भाई लाल टोपी बोला भाई किरोड़ी भाई आए कर दे। और अभी हम यहाँ ले रहे हैं सामान, ये बन चुका है हमारे भंडारे का बिल और सभी सामान ले लिए अभी। तो भाई अभी हम अपने भंडार के लिए सब्जी वगैरह ले रहे हैं और यहाँ पर हमने ले लिए आलू, इधर ले लेंगे प्याज, इधर से ले लेंगे मिर्ची और ये मिर्ची वगैरह और ये लहसुन वसन ले रहे हैं, सब सब्जी ले रहे हैं इधर से, यहाँ पर प्याज डाले जा रहे हैं। सामान ले जाते टाइम भाई गाड़ी की क्लिच जो कि वायर रहती है वो टूट गई, तो दोबारा आना पड़ा दुकान पे और अभी क्लच बार डलवा के फिर निकलते हैं भाई दोबारा, तो भाई बहुत नुकसान हो गया। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मंदिर में और सामान वगैरह लेके आ चुके हैं मलान डूंगर से और सामान वगैरह आपको दिखा देता हूँ। सामान रखे हैं हमारे, तो ये सामान वगैरह लेके आ चुके हैं हम
लान डूंगड़ से, और अब प्रोग्राम हमारा सेट हो चुका है बिल्कुल एक नंबर, और अभी देखते हैं क्या करना है आगे। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम की मेहनत जारी है और बंदे लगे हुए हैं, एक उधर, एक इधर और एक मैं। ऐसा नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ, काम भी करा रहा हूँ भाई, ऐसे मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ। और घुंगरू चक चल रहे हो मामलो चक, कतरी बार में कर देंगे काम को यार, आधे घंटा में हो जाएगा। तो भाई अब आधे एक घंटे में सफाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, तभी के लिए बने रहे ब्लॉग में। तो राम राम भाई, आप सभी का स्वागत है भाई मेरे ब्लॉग में। तो भाई देख सकते हो हमारी लगन और मेहनत। तो भाई हमने मतलब कि पूरे मंदिर की साफ सफाई कर दी है, कल भंडारा है हमारा जो हमने रखा हुआ है प्रोग्राम सभी गाँव वाले भाषा में। तो भाई देख लीजिए आप, बिल्कुल क्लीन कर दिया है माहौल, इधर भी दिखा रहे देख लीजिए आप, पहले कितनी टोपी और कितनी कम में। तो भाई अगर कोई भी काम चला ना, कोई भी काम बड़ा नहीं है, काम तो हम बच्चे ही है, बच्चों ने इतना काम करते बड़े कितना कर सकते हैं। तो बने रही ब्लॉग में, मजा नहीं आ रहा है। छोरी तू मोकु पप्पी को दरोज न सिगरेट को देच, छोरी तू मोकु पप्पी को दे रोज न सिगरेट को देच। वाओ ब्यूटीफुल, बोल बजी रंगे बली की जय। तो भाई फुल एंजॉयमेंट चल रहा है और फुल काम चल रहा है, तो सभी भाई बने रहे ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं एंजॉयमेंट बिल्कुल गांव वाला। यहाँ पे आ चुका है हमारा टेंट जो कि हमने मंगाया है हमारे प्रोग्राम के लिए, और पूरा पूरा सामान आ चुका है ये पिकअप में लोड हो के, और अब इसको हम उतराएंगे। आवाज आवाज बस बस भाई, ये पिकअप लग चुकी है, अब इसमें से सामान अनलोड कर देते हैं। घुंगरू आ जा, काई ये कुब लिया, तो भाई ये सामान है पूरा। अरे नायत रहेगा जी, इन्हें कौन कोई ले जाना। तो भाई अभी हम बैठे हैं मंदिर में और भाई कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रखी, क्योंकि भाई अपने सामान वगैरह रखे यहाँ पर, और ये मेरे दो भाई दर, एक ये पड़ा और अभी और आने वाले हैं, इधर ही सोएंगे आज, क्योंकि सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, और जैसे ही सुबह होगी अपने काम में जुट जाएंगे। अभी नींद नहीं आ रही, सोएंगे बाद में भाई, कोई सामान चोरी कर ले नहीं आए बैठे हैं और बने।